हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे दिल्ली स्कूल एडमिशंस के बारे में। सो दिल्ली स्कूल एडमिशंस दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 8 स्कूल में अप्लाई करने के बाद एक स्कूल में हमारा एडमिशन आता है, तो कई पेरेंट्स 8 स्कूल में, 10 स्कूल में और 20 स्कूल्स में जाके अप्लाई करते हैं, तब भी एक भी स्कूल में एडमिशन नहीं आ पाता। तो इस बात को सोचते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसके थ्रू आपको पूरा दिल्ली एडमिशंस के बारे में गाइडेंस मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और समझने की या कोई और आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी वेरी वेल इक्विप्ड कि हमें दिल्ली में कैसे स्कूल्स में अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से स्कूल्स में हमारा आ सकता है, हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और हमें एडमिशन कैसे सिक्योर कराना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिल्ली स्कूल एडमिशंस के बारे में समझते हैं। सो दिल्ली स्कूल एडमिशंस, सो अब हमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम स्कूल लिस्ट बनाएं, कि जब एडमिशन स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे पहले हमारे जो आसपास के स्कूल्स हैं उनकी हमारे पर लिस्ट होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से स्कूल्स में अप्लाई करना है। अब दिल्ली के अंदर जो एडमिशंस होते हैं उसमें डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक पॉइंट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है उस स्कूल में। नर्सरी केजी फर्स्ट में कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे या पेरेंट का एडमिशन के लिए इंटरव्यू नहीं ले सकता। तो सारा जो एडमिशन होता है वो पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे होता है, और जो पॉइंट सिस्टम होता है उसके अंदर 60-70% वेटेज पॉइंट्स में डिस्टेंस की होती है। तो आपको अपने नियर बाय 5-7 किलोमीटर के रेडियस में ही स्कूल्स चूज करने होते हैं। तो अब हमें स्कूल्स की जब लिस्ट बनानी है तो हमें कैसे बनानी है, कितने स्कूल्स की लिस्ट बनानी है जिसमें हमें अप्लाई करना है। तो हर फैमिली की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं। ये नहीं होता कि शर्मा जी के लड़के ने इस स्कूल में एडमिशन कराया है तो भी हम इसी स्कूल में कराएं। तो उसकी जो फैमिली एस्पिरेशंस है, फी बजट है, लोकेशन है, एक्सपोजर है, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, एकेडमिक्स हैं, तो सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करते हुए अपनी स्कूल लिस्ट बनानी है। अब मैं इस स्कूल लिस्ट को दो तरह से बनाती है, प्रायोरिटी वन स्कूल लिस्ट, प्रायोरिटी टू स्कूल लिस्ट। जो प्रायोरिटी वन स्कूल लिस्ट होती है उसमें वो स्कूल्स होते हैं जिन स्कूल्स के अंदर हमें ये है कि अगर इसमें आ गए तो हम फटाफट बच्चे का एडमिशन करा देंगे, और प्रायोरिटी टू स्कूल लिस्ट वो होती है जिसके अंदर हम एक बैकअप क्रिएट करते हैं प्रायोरिटी वन स्कूल लिस्ट वालों का। तो सपोजली हमने 20 से 25 स्कूलों की लिस्ट बनाई। अब 20 से 25 स्कूलों की जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें हम रैंकिंग वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए हम अपने लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे। अब अगर हमारा सेकेंड वाले नंबर वाले स्कूल में आ गया तो हम सिक्योर करा लेंगे, अगर थर्ड वाले में, तो हमारे पास जो कन्फ्यूजन होती है कि इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, हम किस में कराएं, तो अगर हमारे पास वो लिस्ट बनी होगी तो वी विल बी वेरी क्लियर कि कौन से स्कूल में हमें कराना है और कौन से स्कूल में हमें नहीं कराना है। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी वन वाले स्कूल्स में अप्लाई करेंगे, फिर प्रायोरिटी टू वाले स्कूल्स में अप्लाई करेंगे। सो एक ये स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से स्कूल्स में अप्लाई करना है और कौन से स्कूल्स में कैसे अप्लाई करना है और क्या एज क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करेंगे। तो एटलीस्ट हमारे लिस्ट में 25 स्कूल्स होने चाहिए दिल्ली के एडमिशन के लिए, और साउथ दिल्ली के अंदर तो ये और भी ज़्यादा होना चाहिए, ईस्ट दिल्ली के अंदर भी। तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो होता है स्कूल्स में एडमिशन मिलने का वो साउथ और सेंट्रल दिल्ली होता है। तो उसके हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके हिसाब से हमें स्कूलों को चूज करके अप्लाई करना है। तो अब हमने स्कूल लिस्ट बना ली है, तो अगला स्टेप आता है कि जो हमने स्कूल लिस्ट बनाई है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। तो हमने इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल लिंक डाला है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिल्ली एडमिशंस के लिए चाहिए होते हैं वो प्रिपेयर कर लेने चाहिए। स्टिल हर स्कूल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर स्कूल को अपना कुछ डाउट होता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चाइल्ड एफिडेविट, तो फर्स्ट चाइल्ड एफिडेविट हमें नोटरी से बनवाना होता है जिसके कई स्कूल्स अलग से पॉइंट्स देते हैं। उसके बाद कई स्कूल्स में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, कई स्कूल्स में वैक्सीनेशन कार्ड और कई स्कूल्स में कोविड फ्रंटलाइन वर्कर या फिर वैक्सीनेशन ऑफ पेरेंट्स, ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर होते हैं।
मेजॉरिटी स्कूल्स में डिस्टेंस, एलुमनाई और सिबलिंग के प्रूफ। तो डिस्टेंस के अंदर हमें एड्रेस प्रूफ लगाना होता है। अब एड्रेस प्रूफ लगाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, क्या जो हम एड्रेस प्रूफ के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है वो सेम एड्रेस हमारा फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अगर एड्रेस प्रूफ का एड्रेस और एड्रेस जो हमारे फॉर्म में लिखा है वो अगर अलग होते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एड्रेस प्रूफ के अंदर हमारा रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। जब अगर रेंट एग्रीमेंट 6 महीने एक साल पुराना है तो वैलिड हो सकता है, नहीं तो मोस्टली स्कूल्स रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे रिजेक्ट कर देते हैं। लीज एग्रीमेंट भी एड्रेस प्रूफ में वैलिड नहीं होता। तो सारे जो प्रूफ्स होते हैं वो आधार कार्ड, फादर मदर या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल, एयरटेल बिल, तो ये सारे बिल्स अगर हमारे पास हैं लेटेस्ट तो ये बिल्स वैलिड होते हैं एड्रेस प्रूफ के अंदर। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो वो है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम होना, डेट ऑफ बर्थ होना और वो सेम डेट ऑफ बर्थ हमारे फॉर्म में होना जरूरी है। अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करते हुए बड़ा ध्यान रखें। सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियरली अपलोड होने चाहिए, बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने चाहिए। अगर कुछ भी ब्लर है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो भी स्कूल फॉर्म आपका रिजेक्ट कर सकता है। तो हमारे आर्टिकल के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लिस्ट बना लो, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो और जो मैंने बातें बोली हैं उनका आप ध्यान रखें जब आप स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारी स्कूल लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर हो गई। तो अब हम अगला नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पॉइंट सिस्टम। तो बहुत सारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि इस स्कूल में मेरा एडमिशन आएगा या इस स्कूल में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए इजी स्कूलिंग ने बड़ा इंटरेस्टिंग टूल लॉन्च करा है, पॉइंट्स कैलकुलेटर। तो हमें हर स्कूल के पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि इस स्कूल में अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके हर स्कूल का पॉइंट्स क्राइटेरिया और पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पॉइंट्स जो कैलकुलेट होते हैं, मैंने जैसे पहले बताया जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो डॉक्यूमेंट्स मेजरली पॉइंट्स के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस आपका और स्कूल का जो है उसमें एरियल डिस्टेंस जो होगा उसके बेसिस पे पॉइंट्स मिलेंगे। एलुमनाई के पॉइंट्स होते हैं, सिबलिंग के पॉइंट्स होते हैं। एलुमनाई क्या होता है? एलुमनाई ये होता है कि फादर या मदर उसी स्कूल से पास आउट हैं जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं। सिबलिंग के पॉइंट्स होते हैं, सिबलिंग सिर्फ रियल ब्रदर या सिस्टर होता है, कजन्स कंसिडर नहीं होते सिबलिंग में। तो ये सारे मेजरली पॉइंट्स होते हैं जिस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना चांसेस है। अब पॉइंट्स तो हमारे कैलकुलेट हो गए। अब इसमें क्या होता है कि अगर सपोजिटली 2000 एप्लीकेशन है एक स्कूल के अंदर आई है और उस स्कूल में जनरल कैटेगरी की सिर्फ 100 सीटें हैं, तो 2000 एप्लीकेशन में से 100 सीटें किसे एलोकेट होंगी वो इस पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे डिसाइड होता है। अब वो कैसे डिसाइड होता है? सपोजिटली एक स्कूल में टोटल पॉइंट 100 हैं, 100 में से 70 पॉइंट से ऊपर कुछ 60 पेरेंट के 70 पॉइंट से ऊपर हैं, 70 पॉइंट्स 200 पेरेंट्स के हैं और 70 पॉइंट से नीचे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। अब जिनके 70 पॉइंट्स हैं एग्जैक्ट उन सबका लकी ड्रॉ होता है जिसमें जो बची हुई 40 सीट्स होती हैं वो एलोकेट होती हैं। 70 पॉइंट से ज़्यादा जिनका होता है उनको डायरेक्टली फर्स्ट लिस्ट में नाम दे दिया जाता है। अब अगर 100 की 100 सीट्स स्कूल की पहले लिस्ट में एलोकेट हो गई तो डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर 100 की 100 सीट्स नहीं हुई, जो बची हुई सीट्स हैं उनके लिए स्कूल सेकेंड लिस्ट निकालता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है और पॉइंट सिस्टम का इतना बड़ा रोल होता है आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर हम 25 से 30 स्कूलों में नहीं अप्लाई करेंगे तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसमें ना फादर की एजुकेशन, ना मदर की एजुकेशन, ना एनुअल इनकम, ना आप किस स्कूल के पास आउट है कुछ भी कंसिडर नहीं होता। अगर आप उस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं जिससे आप पास आउट है सिर्फ उसी के पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो हमें जितने ज़्यादा स्कूलों में अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं हमारे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन सिक्योर करने के। तो अब हम ये समझते हैं कि हमने स्कूलों की लिस्ट बना ली, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, पॉइंट सिस्टम समझ लिया, अब अप्लाई कैसे करना है इन स्कूलों में। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मीडियम्स हैं, या तो हम डायरेक्टली स्कूल की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं,
या फिर हम ईजी स्कूलिंग की वेबसाइट से एक फॉर्म भरकर मल्टीपल स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ईजी स्कूलिंग की वेबसाइट से भरेंगे तो आपको कहीं भी नहीं जाने की जरूरत। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो आपको स्कूल में हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी, आपका सारा काम घर बैठे हो जाएगा और आप उसके बाद फॉर्म भी ट्रैक कर पाएंगे। जो स्कूल्स ईजी स्कूलिंग के थ्रू एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे, दे आर नॉट ऑफिशियल एप्लीकेशन पार्टनर ऑफ ईजी स्कूलिंग, उन स्कूल्स के अंदर आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ईजी स्कूलिंग की वेबसाइट से आपको अपने आसपास के सारे स्कूल्स के बारे में पता लग जाएगा। जिन स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, और जिन स्कूल्स में हम ऑफिशियली एसोसिएटेड नहीं है उनकी वेबसाइट लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो ये दो ही मीडियम्स हैं दिल्ली के स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए। तो आप जितने ज़्यादा स्कूल्स में इन दो मीडियम से अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं आपके बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन आने। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, एज क्राइटेरिया। कई दिल्ली के स्कूल्स में सारे डीडीए लैंड पे जो स्कूल बने हुए हैं, जो डीओ ही एडमिशन चलाता है, उसने एक एज क्राइटेरिया बनाया है। वो एज क्राइटेरिया क्या है? अगर आप स्कूल्स में नर्सरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 to 4 ईयर्स की एज होनी चाहिए बच्चे की एज ऑफ मार्च 2022। अगर हम 2022-23 सेशन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर 23-24 में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 to 4 साल एज ऑफ मार्च 2023। तो वो हर साल एज क्राइटेरिया निकालते हैं और मोस्टली लास्ट कुछ सालों से सेम एज क्राइटेरिया चल रहा है। अब DOE इस एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन देता है कि मिनिमम में हम 30 डेज का एज रिलैक्सेशन देंगे और मैक्सिमम में हम 30 डेज का एज रिलैक्सेशन देंगे। अब जो एज रिलैक्सेशन होता है वो स्कूल्स के ऊपर होता है कि उन्हें देना है या नहीं देना है। कई स्कूल्स को एज रिलैक्सेशन देते हैं, कई स्कूल्स को एज रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। तो अगर आपका बच्चा नर्सरी में अप्लाई करना चाहता है और वो 30 डेज एज रिलैक्सेशन में फॉल करता है तो आप स्कूल में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन देके आप वहाँ पे वो पता कर सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ईजी स्कूलिंग की वेबसाइट पे जो भी स्कूल एज रिलैक्सेशन दे रहा होगा, अगर आप उस स्कूल को कार्ट में ऐड कर पा रहे हैं तो मतलब वो एज रिलैक्सेशन दे रहा है, अगर आप कार्ट में नहीं ऐड कर पा रहे तो मतलब वो स्कूल एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहा। वो क्लियरली लिखा आ जाता है, एज क्राइटेरिया इजंट मैचिंग। सो एज क्राइटेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नर्सरी के लिए 3 to 4 साल, केजी के लिए 4 to 5 साल, फर्स्ट के लिए 5 to 6 साल एज ऑफ 31st मार्च ऑफ दैट सेशन। तो ये हमारा एज क्राइटेरिया होता है। इसे समझना और इसकी मदद से ही हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता अगर आपने नर्सरी नहीं पढ़ाई हुई और बच्चा 4 to 5 साल की एज में लाई करता है तो आप नर्सरी में अप्लाई करेंगे, नहीं, आपको केजी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और कोई भी स्कूल नर्सरी केजी फर्स्ट में प्रीवियस स्कूल डिटेल्स नहीं लेता। आप कौन से स्कूल से पास आउट हैं, आपका पुराने स्कूल का सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप नर्सरी केजी फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एज क्राइटेरिया के बेसिस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमने 25 स्कूलों में अप्लाई तो कर दिया, अब किस स्कूल में हमारा आया, किस स्कूल में नहीं आया, ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हम उस स्कूल में जाके एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा के। जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करे उनकी ओरिजिनल कॉपी स्कूल वेरीफाई करता है, एडमिशन फीस लेता है, 3 महीने की फीस लेता है और आपको एडमिशन दे देता है। आपका सेकेंड लिस्ट में अगर किसी और स्कूल में आ गया और आपको फर्स्ट लिस्ट वाले स्कूल से विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एक बेसिक अमाउंट स्कूल डिडक्ट करके आपको दे देता है वापस और आप दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन अपने बच्चे का सिक्योर करा सकते हैं। अब इसमें जो सारी कंफ्यूजन होती है पेरेंट्स को, वो ये होती है कि हमारा एडमिशन में हम ट्रैकिंग कैसे करें। तो अगर आपने ईजी स्कूलिंग की वेबसाइट से जिस एप्लीकेशन में अप्लाई करा होगा आपको प्रॉपर ट्रैकिंग मिलेगी कि इस स्कूल में मेरा आया है, इस स्कूल में नहीं आया है। और अगर आपने स्कूल से डायरेक्टली अप्लाई करा है तो आप स्कूल से डायरेक्टली स्कूल में जाके या स्कूल की वेबसाइट पे लिस्ट देख सकते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन आया है या नहीं आया है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स की कोई भी फिक्स डेट नहीं होती, हर स्कूल अपने हिसाब से ड्रॉ ऑफ लॉट्स करता है और वो स्कूल पेरेंट्स को इंटीमेट करते हैं थ्रू SMS और ईमेल कि अब ड्रॉ हो रहा है, आप स्कूल में आके लकी ड्रॉ का पार्टिसिपेट करें। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है एडमिशन में अप्लाई करने के बाद। तो जैसे अगर हमारे जनवरी में फॉर्म्स बंद हो जाते हैं भरने तो हम फरवरी मार्च में सारे स्कूल्स ये वाला प्रोसेस कंडक्ट करते हैं और 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है जिस भी स्कूल में आपने एडमिशन अपने बच्चे का सिक्योर कराया होगा।
तो अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी है तो YouTube में आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम उसका जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे। और चलिए इजी स्कूलिंग के साथ मिलके अपने बच्चे के ड्रीम स्कूल में एडमिशन लेते हैं। थैंक यू।